make our friends. खामोशी से चलो बेटा. जल्दी भागो यहाँ से. अम्मी देखो प्रिंसेस भी आ गई. अरे बेटा रुको. हाँ, प्रिंसेस आ जानती है. मैंने अभी प्रिंस को भी देखा है. क्या कहा? क्या तुमने प्रिंस को वाकई देखा? उसका कद लंबा है बहुत. हाँ कद लंबा है उसका. अच्छा मुझे बताओ, जब वो मुस्कुराता है तो क्या उसकी आंखें चमकती हैं? और ये बताओ कि क्या उसके बाल कर्ली थे? हैंडसम सा है. आखिर वो यहाँ कैसे हो सकता है? यकीन ही नहीं आ रहा मुझे. प्रिंसेस वो रहा प्रिंस. ओह माय गॉड, मुझे कहीं छुपा लो. कहाँ छुपो? ऐसा करते यहीं छुप जाती. आ जाओ बेटा, आ जाओ, चलते हैं यहाँ से. थोड़ी देर रुक जाए ना अम्मी, प्लीज रुक जाए. क्या हुआ, सब खैरियत तो है? जी जी डॉक्टर, सब खैरियत है. अच्छा ये बताओ मुझे कि नैना है यहाँ? वो नो. दरअसल डॉक्टर, आज मैंने उनको सारा दिन हॉस्पिटल में देखा ही नहीं. यानी हो सकता है कि वो आज हॉस्पिटल आई ना हो. ओके ठीक है ठीक है. या तो सब पागल हो गए या फिर सब नॉर्मल है और मैं पागल हो गया हूँ, पता नहीं. ओह गॉड. क्या वाकई यही था प्रिंस? मुझे यकीन है कि उसने मुझे पहचान लिया होगा. नैना तुम तो गई आज. यानी इतनी बड़ी पार्टी जहाँ पे इतने सारे लोग थे लेकिन मुझे सिर्फ वही नजर आया. और मुझ पागल को देखो, मैंने उसके साथ डांस भी कर लिया. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी अकल पे पर्दे पड़ गए थे. अब मैं क्या करूँगी? उफ, तुम तो अंदर चले जाओ. इसीलिए वो मुझसे सवाल जवाब कर रहा था कि कुछ तो कहो, नाम क्या है तुम्हारा, करती क्या हो. अच्छा है जवाब नहीं दिया. उफ उफ. बस बहुत हो गया नैना, रिलैक्स होने की जरूरत है तुम्हें. लंबी सांस लेती हूँ मैं. बस इसी की कमी रह गई थी. बहुत भारी था यार. कि फाइनली आप आ गई. इतना टाइम लगाती हो तुम तैयार होने में? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तैयार होने में इतना टाइम नहीं लेती हूँ, बल्कि मैं तो हमेशा वक्त से पहले तैयार होती हूँ. सबसे पहले नैना. हाँ तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, यानी मेरा मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. क्या तुम्हें किसी बात पर शक हो रहा है मुझ पर? क्या मुझे किस बात पर शक हो? आर यू श्योर नैना कि तुम ठीक हो? आई नो कि तुम नॉर्मल नहीं हो, लेकिन ओह नो, नॉर्मल हूँ मैं तो बिल्कुल. हर चीज नॉर्मल है. और हाँ, बाकी लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल. नैना अब बहुत हो गया. हाँ बिल्कुल बहुत हो गया. तो फिर हमें चलना चाहिए, पेशेंट को भी तो देखना है हमें. इसकी जरूरत नहीं. हाँ हमसे पहले ही एक डॉक्टर पहुँच कर उसका ट्रीटमेंट कर चुका है, तो हमारा यहाँ आना बिल्कुल बेकार रहा. ओह तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी रात तो बिल्कुल बर्बाद हो गई. वैसे मैं तो घर पे थी इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई. तुम क्या कर रहे थे ये बताओ? अब कहाँ जा रहे हो तुम? तो जानना है तुम्हें, टॉयलेट जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ. वैसे काफी अच्छा मजाक कर ले तो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जेंट्स टॉयलेट में क्यों आऊंगी? और तुम तो मेरे साथ ऐसे बिहेव करो जैसे मैं हर वक्त तुम्हारा पीछा करती रहती हूँ. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे पहचान सका है या नहीं पहचान सका, या इसको याद है कि मैं वही लड़की जिसके साथ ये डांस कर रहा था. अब मैं क्या करूं?